अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, अदब का जो ताल्लुक़ है वो समाज से है, और जब हम समाज का जिक्र करते हैं तो एक बात सामने आती है सियासत के हवाले से, और हम देखते हैं कि हर अहद में हमारे अदब पर जो सियासत के असरात हैं वो वाजिया तौर पर नज़र आते हैं। फिर चाहे वो फ़िक्शन हो या शायरी हो या जो भी सिंफ हो, उसमें जो सियासत का एक के जो असरात हैं वो वाजिया नज़र आते हैं। तो सवाल आज का मेरा ये है कि मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है या आज के अहद में जो सियासी एक मंजरनामा चल रहा है, उसके अदब पे क्या असरात हो सकते हैं, और फिर ये अदब में अगर कुछ असरात मतलब सामने आ रहे हैं तो ये किस नौयत की तब्दीलियाँ हो सकती हैं, और क्या ये हमारे अदब के लिए बेहतर होंगी? देखें हुरैन, अदब और सियासत के हवाले से एक तसव्वुर तो ये है कि ये दो मुख्तलिफ़ धारे हैं, लेकिन ये तसव्वुर मबनी बर हकीकत नहीं है। अदब और सियासत के माबैन एक इम्तिजाज रहा है, एक मिलाप का अंसर रहा है, और ये सिर्फ उर्दू अदब में नहीं है, दुनिया भर के अदब में है। अगर आप आलमी सतह पर देखें तो अरस्तू से लेकर जॉर्ज आर्वेल से होते हुए सार्तर तक एक बड़ी रिवायत है कि जिसमें अदीब जो है वो सियासी मकासद के तहत जो है वो लिखते रहे हैं। अच्छा, एक बात थोड़ा सा वसी सतह पर देखें ना, आपने एक बार सवाल किया था कि अदब में जो एहतजाज है ये क्या होता है, तो मैंने शायद इसका ये जवाब दिया था कि शेर जो होता है वो बजाते ख़ुद एक एहतजाज होता है कि आप शेर क्यों लिखते हैं। तो मैं ये भी कहूँगा कि शेर बजाते ख़ुद एक सियासत होती है, अदब बजाते ख़ुद एक सियासत होता है। यानी आप क्यों अदब तख्लीक करते हैं, आपको क्या मसला है? यानी एक सियासी रहनुमा भी यही चाहता है कि मुआशरे में तब्दीली आए, और एक अदीब भी यही चाहता है कि मुआशरे में तब्दीली आए। यानी ब्रॉड बेस्ड लेवल पर अगर आप देखें, वसी सतह पर अगर आप देखें, तो एक अदीब भी यही चाहता है कि मुआशरे में तब्दीली आए। तो जैसे मैंने एक मिसाल दी है कि आलमी सतह पर एक रिवायत है, तो अगर आप कौमी सतह पर आप देखें तो सिर्फ सियासत नहीं, बल्कि बाज़ुकात हमारे शोरा जो है वो ऐसी सरगर्मियों में भी इन्वॉल्व रहे हैं कि जिसमें मुबारजत है, जिसमें लड़ाई है। यानी 1857 के अगर आप वाकयात देखें तो उसमें हमें मुनीर शिको आबादी जैसा हमें शायर मिलता है, हमें जाफ़र थानिसरी जैसा अदीब मिलता है कि जिनको काले पानी की सज़ाएँ भी हुई हैं, जो अमली तौर पर जंगों में शरीक रहे हैं। उसके बाद हमें एक सरसैद तहरीक नज़र आती है, उसके बाद हम अपनी जो कौमी आज़ादी की तहरीक है तो उसमें हसरत मोहानी हैं, उसमें इकबाल हैं, उसमें ज़फ़र अली ख़ान हैं। अच्छा, देखें ये जो अदीबों की सियासत से वाबस्तगी होती है, ये अमली सियासत ज़रूरी नहीं कि ये अमली तौर पर सियासतदान हो। ये किसी सियासी नज़रिए को एक तहजीबी सहारा फराहम करते हैं। यानी ये बात तय है कि ये मुल्क हम कभी हासिल नहीं कर सकते थे अगर इसके पीछे इकबाल की फ़िक्र ना होती, अगर इसके पीछे हसरत मोहानी जैसा शायर ना होता, अगर इसके पीछे ज़फ़र अली ख़ान जैसा सहाफ़ी ना होता। यानी सियासी तहरीकें जो होती हैं वो महज सियासी पार्टी बना के जो है वो उनकी कामयाबियाँ यकीनी नहीं होती हैं, जब तक कि उनके साथ शायर ना हो, उनके साथ अदीब ना हो। अब जैसे हमने क़ायम पाकिस्तान से पहले जो आज़ादी की तहरीक है उसमें कुछ मिसालें हमारे सामने हैं, तो क़ायम पाकिस्तान के बाद हम जब देखते हैं तो हबीब जालिब हों, सिप्त हसन हों, ये वो लोग हैं कि जो एक ख़ास तरह के नज़रिए के साथ जुड़े रहे, एक ख़ास तरह की यूँ समझिए कि उनकी एक उनका एक सियासी नुक्ता नज़र था, ठीक है। और नाम लिए बग़ैर आप देखिए कि हमारे यहाँ एक पार्टी ने जो एक बड़ी सतह पर, अवामी सतह पर एक पहली बार कामयाबी हासिल की थी, तो वो इसलिए नहीं हासिल की थी कि वो सिर्फ सियासत कर रही थी, उसके पीछे अदीब भी थे, उसके पीछे शायर भी थे।
और फिर हम देखते हैं कि जब मावराए आइन एक कदम उठाया जाता है तो सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत का मुजाहरा जो है वो हमारे शोरा ने किया, हमारे अदीबों ने किया, उस पर नावल लिखे, उस पर गज़लें लिखी, उस पर नज़में लिखी, वो किताबें शाये हुई। अच्छा, इन शायरों अदीबों को कैदोबंद की जो सोबतें हैं वो भी बर्दाश्त करना पड़ी। अब चूंकि आपने असली मंजरनामे की बात की है तो मैं ये तो नहीं कहता कि असली मंजरनामे में शायर अदीब जो है वो सियासत से बिल्कुल किनारा कश हो गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उस तरह किसी सियासी तहरीक से जुड़े हुए नहीं है या उसको एक तहजीबी सहारा नहीं फराहम कर रहे। और यही वजह है कि इस वक्त जो हमारी हमारा जो सियासी मंजरनामा है उसमें कोई बसीरत मंदी का अंसर नहीं है। यानी आप अपने किसी रहनुमा के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बसीरत मंद आदमी है, इसलिए कि वो सिर्फ अपने आप को पार्लियामेंट तक महदूद उन्होंने कर लिया है, उन्होंने अपने आप को सिर्फ सियासी सरगर्मियों तक महदूद कर लिया है। हमने गुज़श्ता एक प्रोग्राम किया था जिसमें ये देखा था कि कौन कौन से अहले सियासत हैं कि जिनके घरों में कुतुब खाने हैं। अब चूँकि अहले सियासत के घरों में कुतुब खाने या तो माजी का हिस्सा बन गए या वो उजड़ गए या उनको दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। अब ज़ाहिर है कि हमें नवाबज़ादा नसरुल्लाह जैसे शायर हमें नज़र नहीं आते, अब हमें अजमल खटक जैसे शायर नज़र नहीं आते हैं। तो इस वक्त ये है कि हमारे जो अहले सुखन हैं, हमारे जो अहले कलम हैं, वो अपनी एक सियासी वाबस्तगी किसी हद तक रखते तो हैं, लेकिन उसका अदब में वैसा इजहार जो है वो नहीं हो रहा। और मैं फिर कहूँगा कि कोई भी सियासी तहरीक जब तक के उसे शायरों अदीबों का तहजीबी सहारा नहीं होता वो मुस्तहकम नहीं होती है। यानी इंतखाबात जीत जाना ये कोई ऐसी बात नहीं है, आज आप इंतखाब जीते हैं कल कोई और पार्टी इंतखाब जीत जाएगी, लेकिन जो एक सियासी तहरीक को अदबी सतह पे एक तहजीबी सहारा फराहम करने की रिवायत है वो बहुत हद तक जो है वो दम तोड़ चुकी है। और ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे अहले सियासत किताब की जानिब एक वो रग़बत दिखाएं, हमारे शायर अदीब को जैसे आजकल वो हमारी सियासी पार्टियां सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर तवज्जो करती हैं या जो सोशल मीडिया पे एक मवाद तख्लीक किया जाता है कंटेंट क्रिएटर का जो एक इस्तलाह है तो उन पे वो फोकस कर रही हैं। तो सोशल मीडिया कोई ऐसी बड़ी सरगर्मी नहीं है, लेकिन जब आपके सियासी नज़रिए को किसी नज़म का सहारा मिलता है, किसी अफसाने का सहारा मिलता है, किसी नावल का सहारा मिलता है, तो वो सिर्फ वक्ती सहारा नहीं होता, वो आइंदा नस्लों के लिए भी होता है। तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे अदीब भी थोड़ा सा वो जो उनके अंदर एक सूफियाना रुझान आ गया है, मुत्तकी बन गए हैं कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उनको भी बाहर आना चाहिए और अहले सियासत को भी अदब की जानिब अपनी रग़बत जो ज़ाहिर करनी चाहिए, तभी हम कोई पायदार सियासी तहरीक की जानिब जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बड़े अच्छे तरीके से आपने बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी डाली और आपकी कई बातें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा काबिले गौर हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब यानी तख्लीक की जानिब बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे वकास अहमद के हवाले से। वकास अहमद का ताल्लुक दरस व तदरीस के शोबे से है। बहुत खूबसूरत अंदाज में नज़्म कहते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में दो तहकीकी कुतब भी आपकी शाया हो चुकी हैं। पहली किताब है वेन पेट्रियॉकी स्ट्राइक्स 2018 में शाया हुई और दूसरी किताब है ब्लैक डिस्कोर्स 2020 में शाया हुई। इसके अलावा पंजाबी मैगज़ीन पंजाबिका और उर्दू मैगज़ीन लायलपुर गज़ट के मुदीर भी हैं और हल्का अरबाब ज़ौक़ के फैसलाबाद के जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो सर, आज इनकी तख्लीक का कौन सा हिस्सा हमें अदा करेंगे? हाँ, वकास अहमद का एक नज़मिया मजमूआ है दायरे के नाम से, तो आज उससे एक नज़म हम अपने नाज़रीन की नज़र करेंगे। नज़म का उनवान है तही दामनी। ज़िंदगी यूँ है अब जैसे
ماتوب و مغزوب شہر سخن ایک بن جس میں نخل ہنر کوئی اگتا نہیں، ایک آنسو نہیں ایک تبسم نہیں، زرد پتوں پہ بکھری ہوئی نظم ہے اور غزل ایک پامال گل کی طرح، کوئی آہنگ صوت و صدا بھی نہیں۔ لٹ گیا کارواں ایک مدت ہوئی خار و خس کی طرح، حرف بکھرے ہوئے کون ان کو چنے، کوئی ہے ہی نہیں۔ باز گشتے صدا جلوہ گر ہو کہاں جب صدا ہی نہیں، ساز ہستی کا ہر تار ہے دم بخود، کوئی مضراب چھیڑے بھی گر اب اسے رس بھری کہکشاں، اک رگے سوز کی آتش بے کراں نغمہ گر اب نہیں۔ کینوس آئینہ رنگ کا پیرہن اور تخیل کی ایک جاویدانی ہنسی اب کہاں، سنگ ناداں کو اس کی خبر ہی نہیں اب وہ تیشہ نہیں، جو وہ سب چھانٹ دے جو نہیں چاہیے اور تراشے کوئی اپنی بھولی ادا۔ زندگی یوں ہے اب میرے اندر کہیں میں رہا ہی نہیں، کوزہ گر کی ہے ایسی تہی دامنی، گھومتے چاک پر کوئی دنیا نہیں کوئی عالم نہیں، کوئی دستک کہاں ہو کہ در ہی نہیں، لوٹ جا اے گماں پر فدا ہم نفس لوٹ جا۔ بہت خوبصورت نظم اور بہت عمدہ تخیل۔ ناظرین پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر آج ہم کون سی کتاب تعارف کے لیے پیش کریں گے؟ ہم اگر اپنی جدید فکشن کو دیکھیں تو اس میں ایک بہت اہم نام مشرف عالم ذوقی کا ہے۔ مشرف عالم ذوقی کا جو فکشن ہے وہ بہت متنوع اسالیب پر مبنی ہے۔ ہم اگر ان کے ناولوں کو دیکھیں تو اس میں موضوعات کا تنوع بھی ہے، تکنیک کا تنوع بھی ہے اور اس کے مختلف پیرہن ہیں۔ ان کا ایک فکشن کا فن پارہ لے سانس بھی آہستہ، اس کے بعد مرگ امبوہ، پھر نالہ شبگیر، مردہ خانے میں عورت اور وائٹ ہاؤس کی روشنی، پوکیمان کی دنیا، یہ ان کے مختلف ناول ہیں۔ تو یہ کتاب منظر عام پہ آئی ہے، مشرف عالم ذوقی کا فکشن۔ اس میں مشرف عالم ذوقی پر بہت عمدہ نوعیت کے، جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ مشرف عالم ذوقی کا جو فکشن کا تنوع ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس کتاب میں جو ان پر مضامین لکھے گئے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ تنوع ہے۔ اس کے مرتب ڈاکٹر کامران شہزاد ہیں۔ ڈاکٹر کامران شہزاد ہمارے نوجوان لکھنے والوں میں ہیں، یہ ادب کے استاد ہیں اور بہت محنتی اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو تدریس، تنقید اور تحقیق ان تینوں شعبوں میں ایک توازن رکھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے مشرف عالم ذوقی پر جو مختلف مضامین مرتب کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، ان کو مرتب کیا ہے۔ اور اگر ہم ان لکھنے والوں پر نظر ڈالیں تو یہ بھی بہت بڑے ناقد ہیں اور خود فکشن لکھنے والے ہیں، مثلاً علی احمد فاطمی، محمد حمید شاہد، محمد حامد سراج، اقبال خورشید، رحمان عباس، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود ناول نگار بھی ہیں۔ اور نئے لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیمی کرن ہیں، عمران عاکف ہیں، نازیہ پروین ہیں، اور خود ڈاکٹر کامران شہزاد کے اپنے بھی چار پانچ مضامین ان میں شامل ہیں۔ تو جو ہمارے طالب علم مشرف عالم ذوقی سے یا جدید فکشن سے اور ان کی مختلف تکنیکوں سے دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اس کتاب کو لازمی پڑھیں۔ اس کے اندر بہت انتخاب کا ایک حسن مجھے نظر آیا ہے۔ تو مشرف عالم ذوقی کا فکشن، مرتب ہیں ڈاکٹر محمد کامران شہزاد۔
बहुत खूबसूरत हमेशा की तरह मुनफरिद और मुफीद किताब। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। नए मौजूआत के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और डॉक्टर तारिक हाशमी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।